आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सुनते हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा ना, आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण, वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है, वो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये दावे किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इंडिया गठबंधन को बने हुए चंद दिन ही हुए, आप इतने घबरा गए कि इस तरह के फैसले लेने लगे। कुल मिलाकर ये विवाद एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। 9 सितंबर का रात्रि भोज का डिनर का निमंत्रण पत्र सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से आज जारी किया गया, और उसके बाद जयराम रमेश ने ही एक और ट्वीट करते हुए इतिहास को किस तरह से बदला जा रहा है, भारत को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप तक लगा दिया मोदी सरकार पर। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जुड़ी तमाम पार्टियां हमलावर नजर आ रही हैं सरकार के ऊपर। ऐसे वक्त में जब यह चर्चा जोरों पर है, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो स्पेशल सेशन विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 1 में परिवर्तन की राह पर सरकार आगे बढ़ जाए, इंडिया दैट इज भारत जहां पर लिखा हुआ है उसे सिर्फ भारत किया जाए। ये विवाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है निमंत्रण पत्र। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी क्या ट्वीट कर रहे हैं ये आप देखिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं मनीष तिवारी। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे ज्यादा और क्या सकता है हो सकता है। आनंद हम देख रहे हैं एक के बाद एक झड़ी लग गई है, ऑपोजिशन के तमाम नेताओं के ट्वीट्स बयानात सामने आ रहे हैं और सरकार पर हमले का दौर शुरू हो गया इस इनविटेशन कार्ड के सामने आने के बाद। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि जो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है उसका आधिकारिक एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया। हाँ। तो ऐसे में अपोजिशन को ये भी शंका है, ये भी संभावना नजर आ रही है कि 5 दिन का जो सत्र बुलाया गया है उसमें जो अचानक जिसके बारे में जानकारी दी गई, तो ऐसा तो नहीं है कि इस दौरान संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत की जगह सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि कभी भी किसी भी देश का नाम का मतलब नहीं हो सकता। आप किसी जैसे को एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम सूरज सिंह है तो उसको सन सिंह नहीं कह सकते, उसका नाम सूरज होगा। तो ऐसे ही इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया का मतलब भारत नहीं हो सकता है, किसी भी देश का एक नाम होना चाहिए, ये बीजेपी के नेता कहते रहे। और ऐसे में जिस तरह से अपोजिशन के नेता बार बार सवाल उठा रहे, तो उनको ये जरूर कहना चाहिए क्या उनको भारत के नाम से कोई आपत्ति है या फिर उनकी मंशा। बिल्कुल आनंद, कंटिन्यू कीजिएगा आप। इस बीच देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का ट्वीट आ गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह पहला रिएक्शन है, ये बीजेपी का इंडिया पर हमला है, ये कहा गया है देश किसी दल का नहीं है, ये देश 135 करोड़ भारतीयों का है, कह रहे हैं राघव चड्ढा। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ भारतीयों का है, राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है, निजी जागीर नहीं है, ये कह रहे हैं राघव चड्ढा। और यानी आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मुखर तरीके से इसका विरोध किया है, ये कहते हुए कि यह देश किसी दल का नहीं है।
तो देखिए, इस इनविटेशन कार्ड के सामने आने के बाद, इस निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, इसके सामने आने के बाद पूरा ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन का नाम रखा ऑपोजिशन ने, इसलिए आपने डर कर ये फैसला किया है।